नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी ही बात अपनी मुंहजुबानी सुनाने वाला आपसा ही आपका दोस्त संजीव चौहान। और आप मेरे साथ मौजूद हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे की तरह ही इस वक्त भी अपने पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट में। हम लोग आज बेबाक जिक्र करते हैं उस वजह का जो आइंदा कभी भी किसी भी लम्हे ताकत पर रूस और जिद्दी यूक्रेन से दोनों देशों की तबाही का कारण बन सकती है, बर्बादी का कारण बन क्या सकती है। समझिए आज के मौजूदा तनावपूर्ण हालात ये वजह पैदा ही कर चुकी है, वरना आज दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की छाती पर जंग का लाव लश्कर लिए ना अडटी होती। रूस और यूक्रेन में बीते करीब एक महीने से गुस्से की आग धधक रही है। बीच बीच में अमेरिका और ब्रिटेन के बयान इस आग में घी डालने का सा काम कर रहे हैं। वो तो भला हो कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दुनिया के मीडिया, ब्रिटेन और अमेरिका के वाहियात सलाह मशवरे चीख पुकार सिरे से नजरअंदाज करते हुए अपनी बुद्धि से काम लेने की नाकाम कोशिशों में जुटे हैं, वरना मौजूदा बदतर हालात और दुनिया का कुछ मीडिया तो अब तक दोनों देशों को युद्ध के तंदूरों में झुकवा ही चुका होता। बहरहाल जो भी हो, मीडिया के चीखने चिल्लाने से ना तो युद्ध रुकते हैं ना शुरू हो जाया करते हैं। मतलब हाल फिलहाल यूक्रेन और रूस के बीच चल रही तनातनी माहौल को गर्म बनाए रखने के लायक तो है ही, मगर इस गुस्से को युद्ध में तब्दील करने की कुव्वत फिलहाल किसी में पैदा नहीं हुई है। हाँ, रूस और यूक्रेन की सेनाएं मगर एक दूसरे के ऊपर हमला बोलने के लिए बस अपने अपने हुक्मरानों के एक इशारे के इंतजार में बेसब्र जरूर बैठी हैं। इसमें शक की कोई कहीं गुंजाइश नहीं है। इस सब चर्चा या जिक्र के बीच सवाल ये पैदा होता है कि आखिर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के से आज पैदा हुए हालातों को टालने का जमाने में क्या कोई मूल मंत्र मौजूद नहीं था? मंत्र था 8 साल पुराना मंत्र, एक नहीं दो दो कामयाब बेहद मजबूत मूल मंत्र थे। मार्च 2014 में रूस द्वारा यूक्रेन से क्रीमिया हथिया लिए जाने के बाद इन मंत्रों में से एक को सितंबर 2014 और दूसरे को फरवरी 2015 में तलाश लिया गया था बेलारूस की राजधानी मिंस्क में। इन मंत्रों को नाम दिया गया था मिंस्क समझौता 1 और मिंस्क समझौता 2। मगर 8 साल पहले तलाशे गए शांति के इन दोनों ही मूल मंत्रों को यूक्रेन और रूस द्वारा अमल में लाए जाने के बजाय उन्हें सरकारी फाइल रूपी कूड़े के ढेर में डाल दिया गया, यानी उन कामयाब मंत्रों की खुलकर नजरअंदाजी दोनों ने कर डाली। 8 साल पहले इजाद इन दोनों मूल मंत्रों की दरकिनारी या बेअंतहाई नजरअंदाजी ही आज बलशाली रूस और अड़ियल यूक्रेन को फिर से जंग के मुहाने पर ले आई है। यह भी कड़वा सच है। मार्च सन 2014 में हुई खूनी जंग के बाद इजाद शांति के इन दोनों मूल मंत्रों पर अगर रूस और यूक्रेन ने ईमानदारी से पहले ही अमल कर लिया होता, उन कामयाब मंत्रों की नजरअंदाजी करने के बजाय उनकी अहमियत समझकर इन मूल मंत्रों की थोड़ी भी इज्जत कर ली होती, तो आज ना तो यूक्रेन जमाने के सामने अपनी और अपनों की इस कदर दुर्गति या फिर बेइज्जती कराने को मजबूर होता, ना ही ताकतवर रूस अपने तहखानों में बंद तोप गोला बारूद के भारी भरकम लाओ लश्कर को वहां से घसीटकर मीलों दूर खुले आसमान के नीचे बर्फीले जंगे मैदानों में लाकर पटकने को लाचार हुआ होता। जब दुनिया को लगने लगा कि अब दोनों देशों की सेनाएं कभी भी एक दूसरे के खून की प्यासी होकर बम बारूद की खूनी बारिश करने लगेंगी, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शांति और सामरिक संबंधों के गुरुओं विशेषज्ञों को इन्हीं दोनों 8 साल पुराने कोने में पड़े मूल मंत्रों की याद आई, जो सितंबर 2014 और फरवरी 2015 में शांति का रास्ता तलाशने की उम्मीद में खोजे तलाशे गए थे। मतलब मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति को शांत करने के लिए अब दुनिया की नजरें एक बार फिर से दोनों मिंस्क समझौतों पर आकर टिक गई हैं, इस उम्मीद में कि दोनों देश अगर मजाक उड़ाने के बजाय आज भी इन दोनों मूल मंत्रों पर गंभीरता से अमल कर सकें, तो फिर से युद्ध के मुहाने पर आ खड़े हुए यूक्रेन और रूस की बर्बादी होने से शायद बचा ली जाए। और दुनिया का जो मीडिया आज बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना सा होकर दोनों देशों के बीच युद्ध का दिन तारीख वक्त बुधवार यानी 16 फरवरी 2022 को तड़के 5 बजे तय कर चुका था, उस मीडिया की इन बेसिरपैर की हवा में कुलांचे मारती युद्ध की कथित खबरों की हकीकत ही उनका दम निकालकर उन्हें बेदम कर सके। अपनी अपनी जिद पर अड़े यूक्रेन और रूस के आमने सामने आ खड़े होने से बने बदतर मौजूदा हालातों की दशा और दिशा बदलने को जर्मनी और फ्रांस को भी शांति की मेज पर आकर बैठना होगा,
क्योंकि मिंस्क समझौते में रूस यूक्रेन के साथ तब ये दोनों देश भी शामिल हुए थे। मिंस्क 2 में शामिल 13 बिंदुओं में से प्रमुख थे। रूस और यूक्रेन भारी हथियारों की वापसी करेंगे। दोनों देश एक दूसरे की मानवीय दृष्टिकोण से हमेशा मदद करेंगे। यूक्रेन के मन मुताबिक डोनेट्स्क और लुहंस्क में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। पेंशन सहित बाकी कई सामाजिक आर्थिक संबंधों की तुरंत बहाली कर दी जाएगी। यूक्रेन अपने देश की सीमा पर खुद का नियंत्रण बहाल रख सकेगा। रूस हो या फिर यूक्रेन, दोनों ही देशों को विदेशी हथियार और सैनिकों की तत्काल वापसी करनी होगी। साथ ही ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप यानी OSCE हालातों की निगरानी के लिए स्वतंत्र होगा। तो दोस्तों, मजबूत रूस और जिद्दी यूक्रेन के आज फिर से जंग के मुहाने पर आखड़े होने के पीछे छिपी असली वजह को उजागर करती पॉडकास्ट में पेश ये बेबाक कड़ी आपको कैसी लगी? अपने पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट को आइंदा भी मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे सुनने के लिए TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात बताना ना भूलें। ऐसे ही किसी और किस्से कहानी की बेबाक बात के साथ मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान के लौटकर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।